अमेठी सांसद स्मृति ईरानी अपने दौरे के दूसरे दिन गेस्ट हाउस से निकलकर कमरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत कठोरा के BHL रोड नंबर 1 पर पहुंची, जहां पर स्थानीय प्रधान एवं इंडोरामा के प्रबंधक अमेठी पुलिस अधीक्षक एलामारेन ने पुष्प देकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित पुलिस विंग बूथ का फीता काट कर उद्घाटन किया। इसके बाद पहुंचे जगदीशपुर के गढ़ा गाँव, जहाँ स्मृति ईरानी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कार्यक्रम की शुरुआत की। मंडल के सभी बूथ अध्यक्षों को माला पहनाकर स्वागत किया। स्मृति ईरानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के विषय पर संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल हुई। इसके बाद जगदीशपुर के पिछूती गांव के बगल गोमती नदी के रंगवा घाट पहुंची, जहां पर नवनिर्मित पीपे के पुल का स्मृति ईरानी ने उद्घाटन किया। इस पीपे के पुल का बन जाने से दो गांवों का मिलान होगा। जगदीशपुर BJP विधायक सुरेश पासी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया। अगर ये पक्का पुल बनवाते तो 2024 को लोकसभा चुनाव में दीदी स्मृति ईरानी को जीतना है। इस दौरान सभी पूर्व विधायक तेजभान सिंह समेत भाजपा पदाधिकारी स्थानीय लोग मौजूद रहे। केंद्र में आज शुरुआत हो रही है कि कम से कम 4 हमारे कार्यकर्ता राष्ट्रपति जी के जो शब्द हैं, उनकी जो भावना है, उनकी गरिमामय उपस्थिति में राष्ट्र को जो संबोधन हुआ, उसका एक एक शब्द एक एक नागरिक तक पहुंचाए। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के लगभग 1,00,000 कार्यकर्ता मात्र शक्ति केंद्र पर आज राष्ट्रपति अभिभाषण को जनता के पास ले जाने का ये एक शुभ काम, शुभ संकल्प आज ही से वो शुरू होगा। ये हम सबका सौभाग्य है कि पूरे प्रदेश में उसकी जिम्मेदारी हमारे प्रभारी को दी गई है, संजय जी को। और मैं विशेष रूप से अमेठी के कार्यकर्ताओं को, हमारे जिला अध्यक्ष जी उपस्थित हैं, उनसे विशेष आग्रह ये करती हूँ कि सबसे बढ़िया अगर काम संगठन में हर शक्ति केंद्र पर हो तो वो नंबर 1 अमेठी का हो, ताकि बिल्कुल सीना स्थान के हमारे प्रभारी कह सके कि जो मेरा प्रभार क्षेत्र था वहां पर बड़ी सफलता पूर्वक हमने ये कार्यक्रम किया। संगठन की दृष्टि से चंदमौली जी ने आज जब दादा का उल्लेख किया तो कहा उनका बूथ नंबर 1 था। दादा ने भी अपनी पुरानी यादें ताजा करके कहे, आज भी हम लोग कहते हैं गांव गांव में तेज विधायक तेज भान सिंह। और देखिए दादा, एक विधायक का इतना प्रेम प्राप्त करना, इतना सम्मान प्राप्त करना कि 3-3 पीढ़ी उनको याद रखे, ये अद्भुत कल्पना साक्षात रूप में मात्र इसी जनपद में दिखाई दे सकती है। लेकिन जिन विषम परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया, वर्ष उन विषम परिस्थितियों को भी भूलना नहीं चाहिए। मैंने जब अपना पहला चुनाव लड़ा तब मेरे अध्यक्ष जयशंकर जी थे, आज हर बूथ को शक्ति देने का काम उनके पास। लेकिन जब मैं और जयशंकर जी तब 2014 में वोट मांगने जाते थे तो कई परिवार डर के मारे कहते थे, मत आना भैया, पता चल गया तो हमें मुसीबत होगी।